ओम शांति। आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि संकल्प से सृष्टि का कई बार एक टॉपिक निकलता है और उस टॉपिक में सभी लोग बात भी करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने थॉट से एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं, नई दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं। तो संकल्प से सृष्टि कैसे बनती है उसके प्रोसेस को हम समझेंगे आज, क्योंकि आज तक जो हमने संकल्प किया है वही हुआ है। हमको वो एहसास नहीं है, लेकिन आज जब हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो शायद वो एहसास हमको होने लग जाए। तो संकल्प से सृष्टि क्या हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। इसके लिए पहले 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, शिव बाबा का आवाहन करेंगे, निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु हमारे सामने, और अपने आप को एक स्टार पॉइंट ऑफ लाइट विजुलाइज करेंगे, उससे शक्ति लेंगे। और क्योंकि हम सृष्टि की बात कर रहे हैं तो पूरे सृष्टि पर हमारे से एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन निकल के पूरे सृष्टि पर फैल रहा है, ऐसा हम फील करेंगे। इसके बाद हम सभी जब संकल्प की बात करते हैं तो इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि हमने चाहे वो मजाक में भी सोचा या नॉर्मल तरीके से सोचा या ऐसे ही सोच लिया, वो भी हमारे संकल्प ही हैं। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हम सोचते हैं वो तो डेफिनेटली हो ही रहा है। तो आज पूरा विश्व इसी से जल रहा है। ये आपके सामने दो इमेजेस हैं, पूरा विश्व इसी से जल रहा है का मतलब रावण किसका प्रतीक है? जो हमने पिछले सेशंस में किए कि रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण हर व्यक्ति के अंदर की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, मेंटल। अब आज मेंटली हम रिटायर्ड हैं पूरी तरह से। हमारे अंदर लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो, ये बहुत सारा अच्छी तरह से भर गया। तो हम अगर इस दुनिया में पढ़े लिखे हों भी तो भी हमारे अंदर अगर ये विकार हैं तो इसका मतलब रावण की प्रवेशता है। रावण माना माया। तो 10 सिर का कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन 10 सिर का मतलब हमारी बुद्धि को 10 चीज़ों ने पूरी तरह से पकड़ा है, जिसमें है लस्ट, है एंगर, है अटैचमेंट, है ग्रीड, है ईगो, है हेट्रेड, है जेलेसी, है सरकाज़म, है लेजीनेस, है फियर, है। ये हमारे 10 विकार, इनको जो जीतता है उनके आधार से ही उसकी एक कहानी बनी। विजयादशमी मना ली गई, दशहरा मनाया गया। तो शिव पिता परमात्मा हमको सिखाते कि ये जो पूरा विश्व है आज विषय सागर में है, जहाँ पर फुल टाइम लोग अपने आप को ऐसे ऐसे स्थितियों में लेकर बैठे हुए हैं जहाँ पर उनके संकल्प भी ऐसे ही हैं। तो जब हम ऐसी दुनिया में हैं तो ऐसे संकल्प करना तो बड़ा मुश्किल है जो कल्याणकारी हो। तो परमात्मा की तभी तो ज़रूरत है ना, जब इस दुनिया में हमको समझ में ना आए कि हमको सोचना कैसे है। तो सबसे बड़ा रोल परमात्मा का ये है, शिव बाबा का सबसे बड़ा रोल ये है कि इस दुनिया में सब लोग बोलना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सोचना कैसे उसको कोई नहीं सिखाता। और सोच के राइट तरीके से राइट जगह पर बात करना वो सिर्फ परमात्मा ही सिखाता है। तो ये परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता कि हम आत्माओं को पावरफुल तरीके से सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और राइट वे से। तो रावण माना विकार, रावण माना रुलाने वाला। आज हम सभी रो रहे हैं क्योंकि हमारे संकल्पों में ये सारे वाइसेस हैं, जो विकार हैं, माना जो हमको बेकार कर दे, डिस्टर्ब कर दे, परेशान कर दे, उनसे हमको सुख नहीं मिल सकता। तो इसीलिए शिव बाबा ने एक बहुत सुंदर बात सुनाई, जब हम वर्ल्ड ड्रामा व्हील को देखते हैं
तो बताया कि वर्ल्ड ड्रामा फील्ड में शुरू के समय में सतयुग त्रेता जब था तो तुम्हारा वर्ल्ड बहुत सुंदर था, और आज ये वर्ल्ड थोड़ा ठीक नहीं है। तो जो वर्ल्ड सुंदर था तो इसका मतलब कभी न कभी हमने अच्छे अच्छे संकल्प किए होंगे जिसका फल आगे जाकर मिला। अब पिछले सेशंस में हमने बात की कि जो आज हम संकल्प करते हैं ज़रूरी नहीं कि तुरंत हैपनिंग हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद वो होके रहेगा। इसी तरह से संकल्प से कल्प बना। 1250 का एक युग है और 5000 साल के एक साइकिल को एक कल्प कहते हैं, और कल्प शब्द संकल्प शब्द में जुड़ा है, संकल्प। तो अगर हमने आज एक शब्द अच्छा सोचा, एक बार अच्छा सोचा, तो उससे हमारा पूरा कल्प 5000 साल का साइकिल बन जाता है। बस अच्छा सोचते जाना, इसमें आपका व दूसरे का हित हो। आप अगर अपने हेल्थ के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अपने मानसिक स्थिति के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अपनी परिस्थिति के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो आज ट्रांजिशन पीरियड है, कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत का मतलब हम इस समय इस मोड़ पर हैं। तो इस समय अगर हमने ऐसे संकल्प किए तो इसका मतलब 5000 साल के साइकिल में हमने अपने अंदर ये थॉट डाल दिया कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो जब इस समय का समय दोबारा आएगा उस समय ये वाला थॉट काम करेगा, इतने हम शक्तिशाली हैं। तो आज अभी जो हम संकल्प अच्छे अच्छे करेंगे उसी के आधार से हमारा पूरा कल्प बनता है, और हम जैसा कल्प बनाना चाहें, जैसा डिज़ाइन करना चाहें, वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ अच्छे अच्छे संकल्प करके। तो इसलिए सतयुग त्रेता हमारे संकल्पों की एक क्रिएशन है। इस समय हमको कल्याणकारी संकल्प करना सिखाते शिव बाबा, उस कल्याणकारी संकल्प से बहुत सुंदर दुनिया में हम चले जाते। तो दुनिया यही होगी लेकिन वहाँ पर सबके संकल्प शुद्ध और पवित्र होंगे। तो संकल्प 5000 साल के साइकिल को ठीक कर सकता है, सेट कर सकता है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है कि जैसे वही कल्प जो 5000 साल का साइकिल है उसको एक जिनोलॉजिकल ट्री के रूप में दिखा दिया, एक झाड़ के रूप में दिखाया, एक पेड़ के रूप में दिखाया, जिसमें दिखाया कि नीचे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और साथ में और सारे ब्रह्मा वत्स तपस्या कर रहे हैं पेड़ के नीचे, और उसमें शिव बाबा बीज रूप है। तो बाबा ने आकर हम बच्चों को बताया कि अगर तुम अच्छे संकल्प करोगे तो ये जो पूरा सृष्टि चक्र है इसके तुम जड़ में हो, और अगर जड़ में हम आत्माएं हैं तो इसका मतलब जड़ से ही तो सारी खुराक जाती है पूरे पेड़ में। तो इस समय हम जैसा संकल्प करेंगे पूरे पेड़ का, मतलब जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, समाज हैं, जिसकी अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी तरह की कोई अड़चन है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो यहाँ से जो हम संकल्प करेंगे वही संकल्प पूरे झाड़ में जाएगा। का मतलब हम सारे एंसेस्टर्स हैं सबके, हमारी जिम्मेवारी अब और बढ़ जाती है। जैसा हम वृक्ष के तने में बैठकर संकल्प करेंगे वैसा ही पूरे वर्ल्ड में वो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति खराब हो गई। जैसे कहते हैं तना जब मोटा होता है तो बहुत पेड़ मजबूत माना जाता है, लेकिन उसमें अंदर ब्रांच अगर निकल आए, कई सारे ब्रांचेस निकल आए, तो क्या होता है, पेड़ कमज़ोर हो जाता है। इस तरह से जब हम शुरू में थे, सतयुग के शुरू में जो हमारा धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म का मतलब बिगनिंग में जो डिटिज्म था, उस समय हम बहुत शक्तिशाली थे। बाद में समय बदला तो धीरे धीरे हमने भक्ति शुरू की, अपनी स्टैचू बना ली, जो भी हमको हमसे अच्छा दिखा उसकी पूजा करने लगे। बाद में आज स्थिति यह है कि हमारे से थोड़ा सा भी कोई शक्तिशाली है उसके सामने हम बैठ जाते हैं। तो हमारा संकल्प, एक एक संकल्प हमने जो क्रिएट किया था पहले, उसी का नतीजा आज का जीवन है। और अगर आज अच्छा संकल्प करेंगे तो आगे वाला जीवन डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो हम इस कल्प वृक्ष की जड़ में, हम किसी को ब्लेम ना करें कि लोग आज गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच, जो हमको भगवान का मैसेज मिलने के बाद भी अगर हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आया है तो वो लोग तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं कि सोचना कैसे। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब एक सहयोग सभी से क्या चाहिए। दुनिया में लोग सहयोग देते हैं और देना चाहते भी हैं। सबके अंदर बहुत उमंग उत्साह होता है, इंथुजियाज्म होता है कि कैसे हम एक दूसरे को सहयोग दें। तो लोग धन का सहयोग दे देंगे, तन का सहयोग दे देंगे, लेकिन अगर कहा जाए अच्छा अच्छा सोचो, उसका सहयोग मिलना मुश्किल है। तो हमको चाहिए संकल्पों का सहयोग। इसीलिए पूरे सृष्टि को हमने थमाया हुआ है, अगर थोड़ा बहुत तो अच्छे और पवित्र संकल्पों के आधार से, संयम के आधार से। इसीलिए आप देखो, जब द्वापर के बाद तपस्वी ऋषि मुनि जो भी आए, उन्होंने अपना तप किया, धर्म पिता आए, सबने तप किया, उनके संकल्पों के बल से धरती थमी रही। ऐसे ही आज अगर धरती में इतनी सारी कड़वाहट है, नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर, दुनिया की इतनी सारी घटनाएं, चारों तरफ आप देख रहे हैं क्या कहर बर हो रहा है, इसका कारण सिर्फ ये है कि हमारे संकल्प के अंदर जब ऐसी स्थिति बनती है तो बाहर का एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाता है। इसलिए टू ब्रिंग हारमनी बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड द एनवायरमेंटल नेचर का मतलब, मेरा जो शरीर है पंच तत्वों से निर्मित है, अगर मैं जो संकल्प करूंगा सबसे पहले तो मैं सुनूंगा और मैं, मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, और इन्हीं पंच तत्वों से पूरा वर्ल्ड और इन्हीं पंच तत्वों से मेरा शरीर बना है। तो जो मैंने संकल्प किया वो पंच तत्वों में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और उन संकल्पों के आधार से जो सृष्टि बनेगी वो बहुत शक्तिशाली होगी। तो आज इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है, किसकी, संकल्प के सहयोग की, अच्छा अच्छा सोचने के सहयोग की। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं परमात्मा का अच्छा बच्चा हूँ, मेरे अंदर अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं, मैं सबके लिए कल्याणकारी सोचता हूँ, ये सारे संकल्प जो हमारी अच्छी डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे। आप सोचिए जरा, संकल्प से सृष्टि, कितनी बड़ी बात शिव बाबा ने हमको बता दी। कहते हैं विचार संसार को बदल देते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट की एक फीलिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार जो है विचारों पर टिका हुआ है। अब दुखमय रचना है या सुखमय रचना है आप देख लीजिए, का मतलब कैसा क्रिएट करना है, सुख क्रिएट करना है, दुख क्रिएट करना है, क्योंकि हम जो संकल्प करेंगे उससे हमको सुख मिलता है। एक एक विचार ही तो हमको सुख देते हैं। जैसे देखिए, मैं आज ये पैसा, मुझे मेरे बैंक में इतना पैसा है, अब आपने सिर्फ सोचा, पैसा तो वहां रखा हुआ है लेकिन सोचा तो सुख मिला। ऐसे ही मुझे हमेशा हमारे फैमिली में अच्छा लगता है, फैमिली दूर है लेकिन मैं उस बात को जब क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे सुख मिल रहा है। तो संकल्प से सुख मिल रहा है, ना कि स्थूल चीज़ों से सुख मिल रहा है। अभी भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो ग्रॉस या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके पास चीज़ें हैं, उन चीज़ों की सोच आपको सुख दे रही है। तो अगर मैं ऐसे अपने बारे में, क्योंकि हमारी रियल क्वालिटी, हमारी ओरिजिनल क्वालिटी ही सुखमय है, तो अगर मैं उस चीज़ को बार बार सोच रहा हूँ तो ऐसे ही हमारे अंदर सुख क्रिएट हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प का महत्व कभी नहीं भूलो। हर संकल्प एक सृष्टि निर्माण करने का कार्य करता है। तो शिव बाबा ने बात सुनाई कि अपने विचारों को शक्तिशाली बनाओ। अब इसके आगे देखिए, संकल्प कैसे हों। अगर शक्तिशाली संकल्प तो सृष्टि शक्तिशाली, माना पवित्रता से युक्त, ज्ञान से युक्त, का मतलब जो संकल्प के अंदर प्यूरिटी है, शुद्धता है, वो उन संकल्पों में बल होता है, वो हजार गुना पावरफुल होते हैं नेगेटिव संकल्पों से। और उसके अंदर समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्शियसनेस हो, अवेयरनेस हो, कुछ भी क्रिएट नहीं कर लेना। तो मास्टर रचयिता है हम सारे। मास्टर रचयिता का मतलब मास्टर क्रिएटर। अपने पोजीशन को समझो, अपने रोल को समझो, अपने गोल को समझो, का मतलब मेरा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह अपने जीवन को बनाना। तो मेरा रोल बदल जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मेरा एक छोटा संकल्प भी गलत नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तीली का उदाहरण है कि जैसे एक छोटी सी तीली को अगर जलाया जाए, उस पर छोटा थोड़ा सा मसाला होता है, और उस तीली को अगर जंगल में डाल दिया जाए तो उससे पूरा जंगल नष्ट हो सकता है, इतनी पावर है उसके अंदर। तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे संकल्पों में
इतना बल है कि हम पूरी नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन निरंतर अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने जो संकल्प किया ये कितनी देर तक अच्छा चला, फिर उसके बाद कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो लक्ष्य और लक्षण, हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है लेकिन लक्षण का मतलब हमको इतना बड़ी सृष्टि बनानी है, सुंदर सृष्टि बनानी है, लेकिन उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों के बीच में जो खाई है, मतलब एम ऑब्जेक्ट और क्वालिटी के बीच में जो खाई है, उसको संकल्प जोड़ता है। संकल्प अच्छे करेंगे, एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह है। अगर हमने अच्छा अच्छा संकल्प किया तो उसको चेक करने का एक पैरामीटर है कि उसको मैच करो कि क्या परमात्मा कैसे संकल्प हो सकते हैं, या हमारे पिता शिव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कैसे संकल्प हो सकते हैं। मैच किया, मैच नहीं हो रहा है, दोबारा संकल्प करो। तो हमारे पास एक पैरामीटर बहुत सुंदर है, तो एक ब्रिज है जो हमारे लक्षण को लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद करेगा, वो है संकल्प। इसलिए उदाहरण में एक आता है कि जैसे आप कहते हैं मैं ब्राह्मण आत्मा, एक संकल्प है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर कर्म कांडी ब्राह्मण की बात नहीं, यहाँ पर परमात्मा ने हमको एडॉप्ट किया, दुनिया की जाति की बात नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ब्रह्मा की संतान को ब्राह्मण कहा गया। तो ब्राह्मण का मतलब जो हमेशा अच्छा सोचे, शुद्ध रहे, उसको शूद्रों के संकल्प नहीं आ सकते। यदि आते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण का खाना, सोना, जागना, चलना सब सफाई वाला ही होगा। तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जो इस ईश्वरी परिवार को आहत करे या बाहर की स्थिति को खराब करे, क्योंकि हमारे ऊपर पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। हम जैसे शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे, हमारा पूरा विश्व ऐसा हो जाएगा। तो चेक कर सकते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मेरे अंदर शुद्धता, शुद्र के संकल्प आ रहे हैं। अगर ऐसे संकल्प आ रहे हैं तो मैं कैसा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। आगे, अगर ऐसे संकल्प सदा हों तो विकर्ण विनाश होंगे। वो कैसे होंगे? अगर संकल्प सदा चल रहे हैं तो आप देखो आपके अंदर क्वालिटी में क्या आएगा, डिवाइन क्वालिटी आ जाएगी। अब यही लगन का रूप ले ले, माना बार बार आप उसको लूप में चला रहे हैं, बार बार चला रहे हैं कि नहीं मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरे से गलती नहीं हो सकती। अच्छा मेरे से गलती हुई तो मैं ब्राह्मण का हूँ, मैं शुद्ध तो नहीं रहा। अच्छा मैंने गलत सोचा, बार बार उसको रियलाइज कर रहे हैं। इसी तरह मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे अगर आपने इसकी अग्नि बना ली, मतलब इतनी बार किया कि वो अग्नि का स्वरूप अगर ले ले, तो इसको कहा जाता है आपके संकल्प में सिद्धि आ गई। तो ज्वालामुखी योग शायद यही है कि जैसे आपने संकल्प किया कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, बस पवित्रता ही मुझ आत्मा का गुण है, आप समझो दिन भर करके आप रम गए, आपको कुछ भी सोच नहीं रहा इसके अलावा, तो आपका संकल्प ज्वाला रूप ले लेगा। का मतलब उसको बार बार चाहे कुछ आपने पहन लिया, चाहे टैग लगा लिया, याद दिलाने के लिए कि मुझे याद आता रहे कि मैं कौन हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। भूल गया तो मिनट बाद फिर याद दिलाए, लेकिन याद नहीं आता है तो आप कहीं चिपका दो या कहीं लिख दो या अपने मोबाइल में सेव कर दो या कहीं भी रिमाइंडर लगा दो कि रिमाइंडर मैंने इसलिए लगाया कि मुझे याद रहे। जितनी बार आपको चीज़ याद आती जाएगी उतनी बार आपका ये संकल्प ज्वाला रूप लेगा। इसलिए उस यज्ञ में ज्वाला को भड़काने के लिए बार बार आग में घी डालते हैं। यहाँ भी बार बार संकल्पों को रीइन्फोर्स करने के लिए रिमेम्बरेंस का घी डालना है, बार बार याद दिलाना है, स्मृति दिलानी है कि मैं कौन हूँ, बस शुद्ध बुद्ध भुलाना, एक संकल्प को सिद्ध करना। आपने अगर पवित्रता को फॉलो कर लिया या शुद्धता को फॉलो कर लिया या आपने अंदर महानता, कोई भी एक संकल्प किया, उसको सिद्ध करने के लिए भागना नहीं है, सिर्फ आपको करते जाना है। आप देखो आपके संकल्पों से आप सबसे पहले जो सुन रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण बदलेगा और नेचुरल है कि वो विश्व में भी जाएगा। इसी तरह से कर्म बंधन कैसे बनते हैं, अब ये सारे संकल्पों की बात शिव बाबा ने सुनाई। हम जल्दी घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं अरे इससे क्या होता है, मन संग मतलब
जैसे हमने कोई संकल्प किया, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको पता हो कि जब अच्छा सोचा जाता है तो वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। हम क्या करते, कर्म को देख कर्म बंधन में फंस जाते। उदाहरण, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए का मतलब सामने जो सीन है वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, पिछले सारे संकल्पों का नतीजा है जो हमने पिछले सेशन में बात की। अब मैं जो संकल्प कर रहा हूँ इसका नतीजा आगे निकल के आएगा ना, तो उसके साथ इसको नहीं जोड़ो, नहीं तो इसका भी हमारे ऊपर कर्म बंधन बनेगा, हम इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी व्यर्थ संकल्प आपने किया वो भी संकल्प है, कुछ उल्टा पुल्टा सोचा वो भी संकल्प है, ये कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। ये रस्सी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीधा साफ सोचा तो सुख, उल्टा पुल्टा सोचा तो दुख, बंधन। और जहां पर आपको बॉन्डेज फील हुआ, देखो जो भी आपने मोहवश, क्रोधवश, लोभवश सोचा उसमें आपको दुख है, लेकिन अगर आपने सेल्फलेस सोचा, सबके लिए सोचा, कल्याणकारी सोचा, तो सबसे पहले तो आपका कल्याण होगा, बाद में दुनिया का होगा। तो इसका मतलब होगा कि अगर सीधा साफ सोचा तो बहुत सुंदर खेल, संकल्पों का खेल है, आपको फ्लैक्चुएट नहीं होना है, सिर्फ अच्छा अच्छा संकल्प करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अच्छा सोचना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन इस टास्क को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो इसलिए इस संकल्प को बार बार रिपीट ना करें कि ये पीछे का जो सीन जो आपने किया था उसके साथ आज जो हैपनिंग हुई, अब आगे होगी वो डेफिनेटली अच्छी होगी, इस बात को बुद्धि में डालना है। क्योंकि कुछ भी हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है आगे। अब देखो जो एंजल बनने वाली आत्मा होगी, जिसको लगता है कि मुझे इस दुनिया को बदलना है, तो जैसे एक सामने इमेज है आप क्रिएट कर लो कि आपने यज्ञ में आहुति डालनी है। आहुति में क्या डालना है, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो, ये सारे पुराने बुराइयां और विकार जो हमको दुखी कर रहे हैं उनको हमने को छोड़ना है। तो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में परमात्मा ने एक वरदान दिया है कि इस समय आप जो भी सोचेंगे वो कल्याणकारी ही होगा। इस संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि परमात्मा के आधार से है। शिव बाबा माना, शिव माना कल्याणकारी, सदा शिव माना जो हमेशा सबका कल्याण करे। तो उसके बच्चे भी जो संकल्प करेंगे उससे अकल्याण किसी का हो नहीं सकता। माना यह है बंधन को काटने की कैंची, इसको ध्यान से समझना है। मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, मैं भी अच्छा, शिव बाबा अच्छा, ड्रामा अच्छा। क्यों अच्छा, क्योंकि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ड्रामा बना। परमात्मा ने तुमको स्टोरी बता दी अभी आके कि भाई ये स्टोरी है, इसके अकॉर्डिंग तुम जो ड्रामा प्ले करोगे वो तुम्हारा ड्रामा बन जाएगा। अब हमको स्टोरी सुना दी, कहा कि तुम पहले ये थे, ये थे, ये थे, अब हमको फिर से वैसा बनना है। तो हमको क्या करना है, अपनी स्टोरी अपने आप के आधार से, अच्छे संकल्पों के आधार से अच्छा क्रिएट करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, हर संकल्प को होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने जैसे एक उदाहरण में कि किसी को 1000 बार उल्टी पुल्टी बात बोली है और 2 संकल्प हमने अच्छा किया कि मैं बड़ा महान आत्मा हूँ या मैं बहुत शुद्ध पवित्र हूँ, तो अभी 998 टाइम्स तो बचा हुआ है, 1000 में से 2 ही संकल्प तो अच्छे किए ना। अब अगर आपने 1000 के ऊपर किया संकल्प, 1000 से ऊपर जब संकल्प हुए अच्छे, तो आपका वो जाके बैलेंस होगा, फिर आगे का जो होगा उससे हमको सुख मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचना इस कल्याणकारी युग में की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसमें शिव बाबा ने हमारे सामने एक बहुत अच्छी स्थिति रखी है कि तुम्हारा अकल्याण हो नहीं सकता इस संगम युग पर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमात्मा का साया है, परमात्मा का हाथ है। तो इस तरह से परमात्मा फुल टाइम हमारे साथ हैं और कल्याणकारी संकल्प करना सिखा रहे हैं। हम वो गलती कहाँ कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है अगर वो नहीं होता तो क्या हम शिव पिता या शिव बाबा की तरफ आते? क्योंकि हमको जब तकलीफ हुई, या कई लोग जानकारी के हिस्से में, अभी जानकारी लेना भी तो एक तरह से माइंड में कुछ चल रहा था, किसी को दर्द हुआ, किसी को दुख हुआ, कोई ऐसे आया, लेकिन थोड़ा बहुत तो दुनिया में दुख
मिला है उसको, तभी तो इस तरफ उसका झुकाव हुआ। तो फिर बाबा जब बार बार जब हम ये कहेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, माना मेरे साथ ये होता रहे, यही तो आप संकल्प दे रहे हैं ना। जो संकल्प आप दे रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, लोग मेरी नहीं सुन रहे, माना फिर से उन संकल्पों का बंधन हमने बनाना शुरू कर दिया, और ये संकल्प फलीभूत हो रहे हैं। मतलब जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं वही तो हो रहा है। तो हमारा काम है हर समय कल्याणकारी सोचना, हर सेकंड कल्याणकारी सोचना। ये 18 दिसंबर 87 की मुरली है, अव्यक्त बाप दादा ने हम लोगों को जो सुनाया है, परमात्मा शिव निराकार ने निमित्त रथ के थ्रू जो सुनाया, जो हमको बताया, उसका आपके सामने विवरण है कि परमात्मा कैसे संकल्प करना सिखाते हैं। और इस संकल्प के आधार से, कल्याणकारी संकल्प के आधार से, इंटेंशन शुद्ध हो उसके आधार से नई सृष्टि का नव निर्माण हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो फायदा हमें है, बाद में औरों को है। तो इसलिए आप सब यही सोच लो कि अगर 1 सेकंड मैंने किया वो जमा हो गया, फिर 2 सेकंड किया फिर दो जमा हो गया, फिर 3 सेकंड किया, अच्छा सोचना, इसके लिए टैग लगा लो, इसके लिए पैरा कुछ ना कुछ आप लगा लो, रिमाइंडर, तो आपको याद दिलाता रहे मुझे अच्छा सोचना है। तो इसलिए शुद्ध संकल्पों का स्टॉक का मतलब प्योर थॉट कैसे ज़्यादा आएंगे, जब हम प्योर चीज़ें पढ़ेंगे जो परमात्मा ने बोला है, परमात्मा ने जो हमको बातें सिखाई हैं, अगर उन बातों को हम बार बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमारे संकल्पों में का स्टॉक अच्छा हो जाएगा। तो जब भी थोड़ा मूड खराब होगा तो हम अपने आप को फटाक से चेंज कर लेंगे दूसरी साइड, और अपने अच्छे अच्छे संकल्पों में दोबारा आ जाएंगे। अब दिन भर ऐसी ऊर्जा को ट्रांसफर करना, प्योर वाइब्रेशन को ट्रांसफर करना, अपने हाथ में ग्लोब को लेना, और ग्लोब माना पूरा विश्व हमारे हाथ में है, और मैं उस पूरे विश्व को अपने शुद्ध संकल्पों से पावरफुल बना रहा हूँ, अच्छे संकल्प दे रहा हूँ। इस विश्व में जितनी आत्माएं हैं सबके अंदर ये पावर जाए, सबके अंदर पीस, लव और हैप्पीनेस जाए, सब अच्छा सोचें, सबका मन अच्छा हो जाए, सबकी फैमिली अच्छी हो जाए, ये संकल्प हमने देना शुरू किया। और इस पूरे वर्ल्ड में आपका परिवार भी शामिल है, तो आपको अपने परिवार के लिए स्पेशली संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पूरे वर्ल्ड को हाथ में लिया तो पूरे वर्ल्ड में सभी शामिल हैं। तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे, आपको आपके इन संकल्पों से जो आपने आज किया है, इसके आधार से हर जगह सम्मान मिलेगा, हर जगह सुख मिलेगा। ये तो कई बार होता है ना कि आपको कहीं पर जाके कोई भी कार्मिक अकाउंट निकल आए, जैसे किसी से लड़ाई हो गई, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कहीं पर कोई ऐसी घटना घट गई, ये होता है, कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, पता नहीं क्यों उससे आज बहस हो गई। ऐसा किया नहीं है, लेकिन कभी न कभी सोचा है उस पूरी एक पूरे कौम के बारे में, या पूरी एक जाति के बारे में, एक धर्म के बारे में, एक मनुष्य के बारे में, एक मेल के बारे में, एक फीमेल के बारे में, जो भी हमने कमेंट पास किए वो भी तो संकल्प है ना। तो उस संकल्प के थ्रू जहाँ भी आप जाओगे, तो आपके साथ अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आपने वैसा संकल्प कभी न कभी क्रिएट किया है। इसलिए किसी के बारे में कमेंट अगर आपने एक बार पास किया तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो स्थिति आज नहीं तो कल बनेगी। जैसे अगर आपने किसी शहर के बारे में बोल दिया, एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा लखनऊ ठीक नहीं है, आपने माना बनारस ठीक नहीं है, आपने माना गुजरात ठीक नहीं, आपने सोचा महाराष्ट्र ठीक नहीं, आपने कहा दिल्ली ठीक नहीं, तो जहाँ जहाँ जिसके लिए जो संकल्प आपने भेजा है उस स्थान पर जब आप जाएंगे तो आपका वहाँ पर डिसरिगार्ड हो सकता है। ये है संकल्पों का कमाल। इसलिए अच्छे से अच्छा जितना हम सोच सकते हैं सोचें, उससे हमारा यहाँ का वर्ल्ड तो अच्छा बनेगा ही, बाहर का वर्ल्ड भी बहुत सुंदर बन जाएगा। तो इस समय इस संकल्प को बल देने के लिए हम पूरी सृष्टि को हाथ में लेते हैं, और शिव बाबा से पवित्रता की, सुख और शांति की किरणें अपने अंदर बीम की तरह आता हुआ महसूस करते हैं।
एक बीम ऑफ लाइट जैसे आती है और वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, वहाँ से इस पूरे वर्ल्ड की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अब मैं खुद संकल्प नहीं दे रहा हूँ, परमात्मा से शक्ति लेकर पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफर कर रहा। पूरे वर्ल्ड के अंदर सुख शांति और पवित्रता जा रही है। पूरा विश्व बहुत सुंदर हो रहा है, सबका मन बदल रहा है, सबके संकल्प एक जैसे हो रहे हैं। ऐसा ही सुंदर सा सोचना है तो हमारी सृष्टि तो अच्छी हो गई ना, हमारी सोच से हमको तो सुख मिल रहा है ना। ओम शांति। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा संकल्प करो और अच्छी सृष्टि का निर्माण करने में सहयोग दो। ओम शांति।